यह पहला मौका होगा जब संघ के स्वयं सेवकों के हाथ में देश के तीनों सर्वोच्च पदों की कमान होगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग के तत्काल बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के नाम की घोषणा की गई इस घोषणा के साथ ही देश के तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों की कमान आरएसएस के स्वयंसेवकों के हाथ में आने की तस्वीर साफ हो गई है पिछले महीने 20 मई को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने निश्चित तौर पर सबको हैरान कर दिया था राजनीति के जानकारों ने इसके पीछे भाजपा के दलित कार्ड को साधने की बात कही थी हाँ वो सच है लेकिन इस बात को कैसे नकारा जा सकता है कि कोविंद को लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छत्रछाया में रहने का यह एक बड़ा फल था अब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने से यह साफ हो गया है कि उन्हें भी अपनी अल्पावस्था से ही आरएसएस से जुड़ाव की संजीवनी के तौर पर इस उम्र में उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनाकर एक बहुत बड़ा फल देने की कोशिश की गई है हालांकि नायडू के फ्लैशबैक में जाएं तो उनके संघर्ष और गरीबी की तस्वीर सामने आती है वो एक बेहद गरीब किसान परिवार में जन्मे थे और उनके पास पढ़ाई तक के लिए पैसों नहीं थे जब बात संघ के देश के सर्वोच्च पदों दोनों की हो रही है तो भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतीत को कैसे भूल सकते हैं उन्होंने भी बचपन से ही संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया और गुजरात के वडनगर से निकलकर मोदी ने केंद्र की सत्ता तक पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया लगता है देश में हिंदुत्व की लहर चल पड़ी है और हिंदू संस्कृति की तरफ आरएसएस देश को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गया है कीजिए सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम गूगल प्लस पर भी फॉलो करें करे पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं